टू गोम्पा और मेजू का एकदम सामने है। ये देखो डाउन साउंड भी आ रहा है। इतना जल्दी मेजू का लिखा वाला पहुंचेगा, उसके बाद वो देखते हुए फिर हम लोग हनुमान जी का दर्शन करने चलेगा। उसके बाद फिर उसके बाद सुबह एक जगह बोला था ना, उधर चलेगा। उधर जाने के बाद फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है। नया जगह है, पता भी नहीं कि इधर जाना है क्या है। चलते रहो बस। तो यहाँ पता नहीं बैठने का जगह ना क्या है, लेकिन बैठ जाएगा हम लोग। हाँ, कोई हैवी नहीं पूछने के लिए। पानी भी बहुत प्यास लग रहा है। दुकान भी नहीं मिला हमें, दुकान भी नहीं मिला। यहाँ बकरी सिकरी रखते हैं तब तो नहीं बैठ पाएगा, लेकिन छाया बैठ पाएगा सीढ़ी में। हाँ देखो बहुत चला है। कहा अंदर क्यों जा रहे, धंधा है? ओ घोड़ा है ना, मैं घोड़ा रहता होगा यहाँ पे। ओ बैठने के लिए है तो अंदर में जगह, बहुत बढ़िया। और बहनो मैं वादा करता हूँ कल से ये मैं पानी हाँ दे देता हूँ। बहनो यार इतना प्यारा है देखो। देखो ऊपर का, देखो गालिंग लिखा हुआ है, गालिंग का ऊपर में देखो इतना बजा से ग्रीन और पूरा क्या कलर बोलेगा उसको, घी कलर बोल सकते हैं, पता नहीं दिखली कलर का। तो घोड़ा वाला घर ये होगा, ये इसमें रुक रहा है थोड़ा रेस करते। छाया यहाँ पे भाई, पानी भी नहीं मिला। पानी भूखा है, कहाँ है? नदी ये बोल रहा है हमको, ये इधर दे रहा है। नाला भी हो सकता है दोस्त, देखो दिखाएगा आपको। ये देखो ये कॉलबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे पानी का आवाज़ आ रहा है, तो ये बोले नदी हो, बोले नाला भी हो सकता है, लेकिन चलेगा जो भी है। पानी का पानी है। चलते चलते एक चीज़ दिखा, ये मिथुन है असली में, लेकिन इसको गाय वाला मिथुन बोलते हैं क्योंकि ये गाय जैसा दिखता है थोड़ा, लेकिन असल में है ये मिथुन। तो उस साइड में थोड़ा कम होता है, इधर डायरेक्ट दिखाई दिया एक। अब यहाँ भी पता नहीं कम होता है या ज़्यादा, बट हाँ हमें ये चीज़ दिखाई दिया, ये गाय जैसा दिख रहा है लेकिन ये मिथुन है। चलते चलते कहाँ पहुँच गया आपको हम दिखाते हैं। चलते चलते हम लोग कहाँ पहुँच गया, आराम से देखो। बूमजी पे होगा 4 किलोमीटर। तो मेचुका में हम लोग बूमजी पेंगा का सामने से क्रॉस होते हुए, मतलब सामने से नहीं बोलेगा, उससे 4 किलोमीटर, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम लोग कुछ नहीं पता, बस चल रहे हो मेचुका का तलाश में। और अभी तो थक गया मेचुका, जो वो दूर से दिख भी रहा था कि मेचुका तक जाना है करके, और अभी आ रहे हैं हम। इतना देर से चल रहे हैं, होप सो वो रास्ता में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो किसी को तो पूछना पड़ेगा। इधर इंसान भी इतना नहीं मिल रहा है, पानी तो दूर का बात है, ना दुकान ना कुछ कुछ भी नहीं है। देखो हम लोग पागल जैसे ऐसे आ रहे हैं, मज़ा लग रहा है, लेकिन कुछ तो अलग हो रहा है मज़ा से। कुछ तो नज़र आ गया यार, वो देखिए वो सामने वाला पहाड़ दिखा था हमें, इसी के आसपास में चुका है, मतलब होप सो इधर ही है इस पहाड़ पे। मैं चुका लिखा हुआ दिख रहा है क्या? इसमें ही होगा ना, इसमें होगा, इसमें, क्योंकि वो पहाड़ का लेफ्ट साइड में था। ओ दिखेगा दिखेगा, अभी मैं चुका लिखा हुआ, ध्यान से देखो, वो रहा। ओ हो मेचुका वी आर कमिंग। ओ भाई वो देखिए टॉप पे, फाइनली चलते 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 दिख ही गया, लेकिन वो भी बहुत ऊंचा पे है, लेकिन हम लोग जाएगा, रास्ता उस तक नहीं पता, देखते हैं। चलो तो चलते चलते पहुंच गए मेचुका विलेज, देख सकते हो, और जस्ट इसके ऊपर मेचुका एकदम सुनहरा
पहाड़, नदी और ये टाउन, ढेर सारा घर, क्या प्यारा है भाई। देखो हम लोग मेचुका पहुंच चुका है, ये लिखा वाला इतना प्यार से, इसके आगे और रास्ता तो नहीं दिख रहा है, अब देख सकते हैं ना प्यारा। अभी थोड़ा सही है ना, मजा आ गया। चलो चलते चलते सफर का मजा लेते हुए एकदम बढ़िया से, पूरा हिल रहा ना ब्रिज मजा से। आया मेरे पाँव में ताकत नहीं रहे, मत हिलाओ, नहीं हिला रहा होगा आदमी चलने से। आया देखिए तो ट्रांसपेरेंट पूरा वाटर, लवली व्यू यार, बढ़िया ना, सच जन्नत है भाई। ये बर्फ पिघलने वाला है, ऊपर है, आप लोग को धूप से प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा ना प्यारा, देखो क्या दिखा हमें, चार घोड़ा दिखा, वाओ प्यारा ना। हेलो, देखो देखो भाग रहे, देखो इतना बढ़िया से भाग, सामने जाने से भागते हैं। ये छोटा है ना, हाँ लास्ट वाला छोटा है, दोनों सेम है, हाँ वो तो जा रहा है, घूम रहा है, ब्लैक कलर का से तक रहा है। वाह कितना मजा है यार, मतलब घूम घूम के इतना समय बीत गया एक दो जगह, अभी तक तो ज़्यादा घुमा भी नहीं है। अभी जाना है वो हनुमान जी को देखने के लिए, अभी तक उधर नहीं पहुँचा हम लोग। मेन बात ना, हम लोग इधर मेचुका का पास बहुत सामने आ गया था, पैदल चल चल के, अभी तक भी पैदल चल रहा है, वापस जा रहा है लेकिन बाइक के पास। एक बार बाइक मिल गया तो टाइम जल्दी नहीं जाएगा, कवर हो जाएगा डिस्टेंस। चलो आगे मिलते हैं, इसके बगल में चलते 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 एक दुकान दिखाई, जस्ट रुक के पानी सबसे पहले यहाँ में रुक के, अभी पानी मिल गया हम लोग को, बहुत देर से भूखा था। देखो चिप्स और पानी, जी देखो पूरा अंकल जी बहुत बढ़िया से सामान रखा है, जानते हैं सबसे बढ़िया स्पेशल चीज फ्रीज नहीं है, मतलब लाइट नहीं चल रहा है फ्रीज नहीं, फिर भी ये पानी ठंडा है यहाँ का, मतलब एटमॉस्फेयर का एकदम ठंडा, बहुत तगड़ा से ठंडा है, बहुत प्यारा है। बाइक के पास पहुंचने वाला है, तो दूर में चुका है, यहाँ से दिखाया था कहाँ घूम के आ गया, ट्रिपल गिरी एम टी पे जा रहा है, अभी बाइक के पास पहुंचने वाला है यार। अब अपना अपना बाइक लेके फिर चलते हैं, समझ को हम लोग किसी का सपने लिफ्ट लेके भेज दिया था, आगे का दिखाते हैं भाई। मेरा बाइक पहुँच गया तो देखो बढ़िया ना, अभी अपना अपना बाइक उठाते हैं चलते हैं यहाँ से, बहुत मजा आ रहा है, इतना मजा हुआ है, वापस आ गया, बहुत पैदल मारा लेकिन थक गया, पूरा थक गया, पानी वानी मिलाया जब वो दुकान में तब जाके थोड़ा एनर्जी आया, अदरवाइज पूरा थक गया था। थॉमस किसी एक भैया का साथ में आ गया, वो लिफ्ट लेके स्कूटी से उसका बाइक लेके गया, फिर हम लोग तीनों आया, अभी तीन बाइक तीनों चला जाएगा उधर, और उसके बाद चलते
है, बहुत सारे जा रहे हैं हम लोग। न्यू गोम्पा घूम के आते हैं, उसके बाद दार्जिलिंग जाएंगे। तो न्यू गोम्पा मार्केट में सीधा ऊपर, पेट्रोल डालने के बाद सीधा ऊपर जाना है बोला। तो चलो न्यू गोम्पा चलते हैं, उसके बाद वहाँ से फिर दार्जिलिंग जाएंगे, मतलब वापस आके थे सीधा ऊपर सेंटर कैफे कुछ। न्यू गोम्पा किधर है? और सेकेंड लेफ्ट ना, ओके थैंक यू। आगे है सेकेंड लेफ्ट बोला ना, तो ये फर्स्ट लेफ्ट नहीं, ओके सेकेंड लेफ्ट और आगे। न्यू गोम्पा मिचुका व्यू पॉइंट सेकेंड लेफ्ट बोला है, ये होगा। और यहाँ में तो पहुँच गया, तो न्यू गोम्पा ये है, न्यू गोम्पा में देखते हैं। और वो आज बजरंगबली का दर्शन आज तो नहीं हुआ, क्योंकि कल बॉर्डर का ट्रिप है हमारा, तो वो बॉर्डर के रूट पे ही पड़ता है, पहले पता नहीं था, तो हम लोग गलती करने वाले थे, आधा जाना था 20 किलोमीटर फिर आना था। न्यू गोम्पा क्या हुआ? तो नया गोम्पा में पहुंच गया। वाह, यहाँ से मेचुका का व्यू देखो, जो जगह हम लोग जाके आए। तो न्यू गोम्पा और मेचुका एकदम सामने है, ये देखो टाउन। ओहो लवली व्यू न्यू गोम्पा, क्या कर रहे हो दोस्तों? अभी तो बाइक भी मजा आ रहा है चलाने। ओहो मजा है। तो अभी हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये न्यू कंपनी हो के ये व्यू पॉइंट भी हो सकता है बोल के, मेचुका व्यू पॉइंट भी ये बोल रहा था। नया गोम्पा ये होगा क्योंकि ये बन रहा है। तो देखो बनते समय हम लोग आए इधर, क्या गंदा स्लिप हुआ था, कैसे स्लिप हुआ पता नहीं। न्यू गोम्पा में अभी कुछ तो ज़्यादा है नहीं घूमने के लिए, यही है व्यू वगैरह है देखने के लिए। तो और ऊपर भी कुछ है, एक बार देख लेते हैं ऊपर भी, सब बन रहा है अभी ये वाला एरिया, कुछ नहीं है लगता है। ओहो ये बन रहा है, चलो अभी दर्शन कर लेते बनने का पहले ही, बाद में फिर कभी आना होगा तो ठीक। यहाँ से आप शहर देख सकते हो, ओहो देखो सब मस्त है, सब चीज दिख रहे हैं यहाँ से। न्यू गोम्पा ये नया गोम्पा है, देख सकते हैं बन रहा है अभी, तो बहुत मजा आएगा होगा बनने के बाद। यहाँ से मिचुका भी आप बढ़िया से देख सकते हो, देखो वाह जहाँ जाके हम लोग दिख रहे क्या यहाँ से, पूरा नाम जाएगा लेकिन वो उधर ही नाम जाएगा, और दिख रहा है। चलो आप देख सकते हो प्लेन लैंड होने वाला है, देखो सामने दिख रहा है ना, ये देख पूरा उड़ के आएगा जल्दी, ये रहा। ओ लैंड कर दिया अभी अभी, अभी, अभी। जमीन में लग गया ना? नहीं लगा अभी तक, अभी लग गया। वाओ साउंड भी आ रहा है इतना जल्दी। भाई किसका हेलमेट है? हम लोग प्लेन को देखते देखते मार्टिन का हेलमेट गिर गया। मजा है ना ये व्यू देखो, पूरा मेचुका लिखा हुआ है इधर ऊपर, देखिए वो इतना जल्दी घुमा भी लिया, देखो घुमा रहा है, दिख रहे हैं यहाँ से, मजा नहीं। देखो देखो घूम रहे, घुमा दिया वो।
प्लेन टेक ऑफ कर दिया और टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ ठीक है मस्त। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वो टर्न ले रहा है, टर्न 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 ले रहा है, देखो टर्न ले रहा है, बहुत मजा है ना। देखिए ये व्यू देखिए, और एक चीज़ आपने नोटिस किया यहाँ पे, ये मेचुका में जितने भी घर है उसका टीना का कलर देखिए रेड और ब्लू ही है कलर, और उसके अलावा जो आपको वो सिल्वर में दिख रहा है वो तो कलर नहीं है क्योंकि ऐसा ही ओरिजिनल उसका कलर आता है ना। मजा है भाई। और यहाँ से चलते हुए एग्जैक्टली नाम बोर्ड मिलेगा तो पता चलेगा, वैसे दार्जिलिंग बोल के कुछ जगह है, वो जगह भी अच्छा है बोला है, तो वहाँ चलते हैं। अभी हम लोग व्यू पॉइंट और न्यू गोम्पा दोनों सामने में ही है मान लो, मतलब न्यू गोम्पा जो है वहाँ से बहुत अच्छा व्यू है और व्यू पॉइंट भी दिखा था बोर्ड हमें, तो होप सो इस साइड में ये जस्ट आते समय जस्ट सामने दिखा, तो पहला गली या दूसरा गली वो याद नहीं है, बट हमें जो चाहिए था मिल गया। लाइक बहुत तगड़ा व्यू था, आपने खुद देखा कैसा लगा प्लीज़ बताइए, मेचुका कैसा है। वेलकम का जो वेलकम टू मेचुका का जो गेट है, आप आलो साइड से जब भी आएगा जस्ट वेलकम का गेट का जो आप जब आप एंटर करते हैं तो उसके बाद में आपको राइट साइड एक हल्का सा सीमेंट का रास्ता दिखेगा, वही रास्ता से आपको दार्जिलिंग जाने का रास्ता है। और पता नहीं किलोमीटर तो मैं अभी देख लेता हूँ, मेरा लास्ट का है 84, तो देखते हैं दार्जिलिंग पहुँचते हुए कितना होता है, थोड़ा दूर है बोल रहा था तो देखते हैं, फुल तो है अपना टैंक। चलो दार्जिलिंग चलते हैं और आपको दिखाते हैं दार्जिलिंग कैसा, मैं भी देखता हूँ दार्जिलिंग कैसा है। हवा विंड का आप साउंड सुन सकते हो, दार्जिलिंग पहुंच गए हम लोग। वो दार्जिलिंग उस पहाड़ का पीछे है जो पहाड़ मेचुका लिखा लगा ना, उस पहाड़ का पीछे, तो हमें घूम के आना पड़ा है, देख सकते हो मस्त व्यू। ये देखिए दार्जिलिंग में ऐसा टेंट लगा के आप रह सकते हैं, ऐसा ऐसा रूम लोग हैं यहाँ बैठने के लिए, और ये पहाड़ है, हम लोगों ने पहाड़ का ऊपर फोटो खींचना था, पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। ये है दार्जिलिंग और वहाँ में भी लिखा चलो वहाँ चलते पहाड़ के ऊपर, दार्जिलिंग में हमें इतना कुछ मिला नहीं, ये पहाड़ ही है ऐसा जो उधर से दिख रहा था, तो सबसे पहले वो मेचुका वाला पहाड़ बहुत प्यारा था, उसमें और एक बार जाने का सोच रहे हैं क्योंकि हो ही गया ऑलमोस्ट। देखिए हाँ हम लोग अभी ये पहाड़ का ऊपर चढ़ने वाले हैं, फुल एक्साइटेड, पूरा मेचुका में ऐसा ही पहाड़ है तो पहाड़ का ही मजा लेगा ना लेने में, तो देखो कमर पूरा जोश में। ओ फाइनली हम लोग धूप पहुंचने तक पहुंच गया, वाह ओहो गाइस हम भी पहुंच गया, ओ सब कुछ है ये दार्जिलिंग पॉइंट हमारे लिए, सब यही है
भाई बिल्कुल। हाँ देखो अब इतना बढ़िया व्यू, पूरा यहाँ पहुँच गया और ऊपर जाना है अभी हमें। आज दिन भर पूरा पहाड़ों में। ओह।